शाहरुख एज काजोल सेड एंड आपके जो सारे फैंस हैं वो भी बोलते हैं दैट आप uh, लव गुरु हो uh, रोमांस ऑफ किंग uh, आपने यूके so, का झंडा क्यों लिया हुआ है दिस इज आई एम स्ट्रीमिंग लाइव अच्छा ओके सॉरी सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि अकॉर्डिंग टू यू कौन आप किसे लव गुरु मानते हैं अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो या फिर आप खुद को ही लव गुरु मानते हो जैसे सब लोग आपको मानते हैं <coughs> uh, या मुझे Uh, खुद ही ये टैक अजीब लगता है uh, लोग ऐसा समझने लगे हैं क्योंकि फिल्में मैंने शायद ऐसी की हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ प्यार मोहब्बत और प्रेम की uh, पर्सनली अगर मुझे कोई जाने तो शायद मैं इतना प्रेमी टाइप ना निकलूँ uh, तो मुझे मालूम नहीं है बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि लव गुरु आई uh, थिंक या तो मेरी एज निकल चुकी है ये सोचने की यार हम बदला लव गुरु कौन मिलेगा मुझको बट आई 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 ठीक है मेरा लव गुरु गुरु अब्राम है वो उसके मैं नक्शे कदमों पर चलूंगा जैसा जैसा वो करेगा जो जो प्यार बट या ही इज़ वेरी जेनुनली लविंग एंड आई थिंक एनिमल्स आर ऑल्सो गुड लव करू दे दे रियली लव यू जेनुनली आई थिंक बच्चे और uh, जो पेट्स होते हैं वो बहुत uh, क्या कहते हैं अनकंडीशनली प्यार करते हैं uh, लोग भी करते हैं लेकिन बड़े होते होते थोड़े से हम लोग ऐसा यहीं गैया हो जाते हैं कि यार थोड़ा सा खलल आ जाता है बट आई थिंक लिटिल चिल्ड्रन आर द मोस्ट लविंग दे शुड बी टेकन दे लव इज़ वेरी प्योर शाहरुख सर यियो सर यस्टडेरी वी हैड इन इंटरव्यू विद काजोल मैन एंड शी वाज लाइक वी आई डोंट टेक माय जोड़ी विद शाहरुख दैट सीरियसली इवन ही वी डोंट टेक इच अदर दैट सीरियसली यू नो यू गाइज आर आइकॉनिक जोड़ी योर फैन्स टेक यू गाइज़ वेरी सीरियसली हाउ डू यू टेक योर जोड़ी विथ काजोल लाइक वेन यू गाइज आर ऑन स्क्रीन लाइक यू आई यू लाइक नॉमल और यू लाइक अरे यार बहुत ज़्यादा हमारे बीच में कैमिस्ट्री है तो वी शुड क्रिएट दैट अगेन समथिंग लाइक दैट

जो हमारे लिए किरदार लिखे जाते हैं वो बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं एंड बोथ ऑफ अस हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं लेकिन येस द लेवल ऑफ कम्फर्ट एंड यू नो दोस्ती और आराम से जो हम काम करते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते एक्चुअली शायद इसलिए ही अच्छा लगता है

और हम इसको अवॉइड करके मेरे शॉट पे लेते रहते हैं और स्टफ लाइक दिस बट बिकॉज वी डोंट टेक इट सो सीरियसली आई थिंक दट्स वाइट्स मोर रियल एंड नेचुरल लेकिन अगर हम बैठ के ऐसा बैठ जाएं कि यार नहीं देखा हमने वो जो सीन किया था कमाल दुनिया हिल के क्या प्यार था हमारा आई आई डोंट थिंक सो आई थिंक इस फिल्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बड़े खूबसूरत छोटे छोटे मोमेंटल सीन्स हैं जब हम हंद्रह uh, साल पहले के एंड वी डन दम विद द सेम लाइटनेस बट आई थिंक पीपल विल इन्जॉय द सेम काइंड ऑफ लव एंड स्वीटनेस टू इट आई थिंक द फैक्ट दैट वी डू इट नेचुरली Uh, and genuinely uh, works more than taking it seriously. Hello, Rohit. Hi, uh, Rohit. I wanted to know uh, the the title Dilwale. Uh, I believe you finalized it because Kajol and Shahrukh. I mean, you know, the iconic couple. Uh, you know, are coming back on screen. So, can you tell us something? How did you decide on the title Dilwale? Not really. उन्होंने अगर आपको कोई गाना वगैरह करना होगा तो दिस इज वन प्लेस आई टोल्ड माई प्रोड्यूसर एनी से चलो हाँ. uh, <laughs> 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 so we went to Iceland and shot the song and it's all real you almost have seen the making by now yes CG 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 Roy sir uh, action making के बारे में जाना चाहिए किस तरीके क्योंकि काफी भावुक वो video था और actually वो making थी यार मतलब जो interview होता है और action दिखाते हैं वो एक अलग emotional level पे चलेगा and then we wanted to shoot with Shahabi and he saw the video and he said कि नहीं इसमें अभी और कोई actor shoot नहीं करेगा इसको release कर दो so होता ये कि we wanted to show के जैसे पहले प्रोमो भी आया था तो लाइक ही हैड प्लान के विल शो द ह्यूमर पार्ट एंड देन विल ब्रिंग दिस ड्रामा इन द एंड सो लोग डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं पहले ही सो वी वांटेड टू शो के होता कैसे यार कितनी मेहनत जाती है उसमें यू नो क्योंकि हर चीज को मतलब इतना आसान नहीं है सो so, एक, एक वो वो इमोशनल मूवमेंट बन गया इट वाज नॉट प्लानड वो हो गया बस मैम इज द मीडिया विल हैव दिस लास्ट क्वेश्चन शाहरुख सर हु अकॉर्डिंग टू यू इज द न्यू एज राज एंड सिमरन खत्म हो यारू आई नो इसी एल्टरली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आई थिंक uh, इतना बड़ा ओनर्स किसी और के ऊपर डाल देना यू you नो know, जब एक्टर्स शुरुआत करते हैं या तीन चार साल काम करते हैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ का ओनर्स किसी के ऊपर डाल देना लाइक यू नो वन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग न्यू कमर्स टू बिग सुपर स्टार्स ऑफ ट्वेंटी ईयर्स ऑफ यू नो हार्ड वर्क एंड यू नो वर्क बिहाइंड दैम एंड ऑडियंस बिहाइंड इट्स इट्स अ बिट ऑफ अ प्रेशर आई डोंट थिंक वन नीड्स टू पुट आई थिंक एवरी मैं जब भी देखता हूँ मैं ज़्यादा फिल्में देख नहीं पाता uh, पढ़ लेता हूँ ये बात जो आपने कही ऐसे हैं और मैं वो बहुत सारे वो भी होते हैं आजकल पोल्स कि हु विंस दिस कौन है आगे कौन सी अच्छी जोड़ी है एंड ऑल आई डोंट थिंक वी टेक दैट टू सीरियसली एंड पुट द प्रेशर बट आई थिंक देर सो मेनी पीपल हु वर्क सो वंडरफुली एंड सो मेनी एक्टर्स एंड सबके सब अच्छे लगते हैं एंड जब दो चार फिल्में ऐसी आएंगी उनकी यू नो वेयर थिंग्स फॉल राइट इन प्लेस इनैक्टमेंट वाइज आई थिंक दे ऑल बेटर देन राजन सिमरन इफ यू आस्क मी Uh, आजकल के जो एक्टर्स हैं मैं अभी uh, वरुण के साथ काम किया कृति के साथ काम किया उससे पहले यू नो वन और टू अदर एक्टर्स दैट आई वर्क विद वर एंड यू रियलाइज़ दैट उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा और एक्टिंग है हमसे मुझसे तो ज़्यादा है मैं काजल का नहीं हुआ काजल की तो बहुत ही ज़्यादा है काजल तो मतलब बहुत ही कमाल की कुछ है एकदम उसका आ, तो, जैसे आपने देखा अभी देखा तुमने सो बट मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा है और उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग है सिनेमा की So I think the enactment technique is much better than we had when we started off, and uh, that shows on screen. And both modern take you know, both interesting modern take I think archikal characters Johan, they also come with lot more openness to work than perhaps uh, uh, casual and muted, you know. Uh, we are shy to do a lot of things on screen uh, because of whatever reason, maybe the timings Yeah, uh, film may So I think those all of them are fantastic as enactments, but uh, as a jury.